आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। जहां एक और प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया, वहीं उसी योगी सरकार का यह नारा मात्र खोखला साबित हो रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आज जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में देखने को मिला। मामला बरेली के थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम गैनी निवासी कुसुमा पीड़ित अपनी 8 दिन की बीमार बच्ची को लेकर जिला अस्पताल में इलाज के वास्ते आई थी, जहां पर वह ओपीडी में पर्चा बनवाने के बाद महिला चिकित्सालय के CMS अलका शर्मा के स्टाफ से मिली। वहीं स्टाफ उन्हें भ्रमित करता रहा। महिला स्टाफ ने उक्त पीड़ित महिला की बच्ची को पुरुष वार्ड में इमरजेंसी में जाने को कहकर टहला दिया और दूसरी ओर पुरुष के इमरजेंसी वार्ड वालों ने बच्ची के पिता को दोबारा महिला चिकित्सालय की ओर इशारा कर भेज दिया। इसी डग्गेमारी के चलते 3 घंटे तक मासूम बच्ची का इलाज न मिलने के कारण उसने अस्पताल परिसर के बीच सड़क में दम ही तोड़ दिया, जिसको लेकर उसके माता पिता अस्पताल परिसर में कोहराम मचा दिया। वहीं इसी संदर्भ में जब CMS महिला अलका शर्मा से बात की तो अब आगे की कार्रवाई आप भी सुनिए। जैसे कमजोरी तो ले आए हमने के 3 घंटे होगा तुम्हें? हाँ, 3 घंटा ही है सर। 12 बजे के आए हैं, 12 से पहले आए हैं सारे। 3 घंटे से पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है उतर जाओ, कोई कह रहा है उतर जाओ, वहाँ जाओ, हमें बताया वहाँ जाओ, वहाँ से जिसने पर्चा बनाया वहाँ जाओ, भर्ती नहीं करो। हाँ, कहीं बेड खाली नहीं है। वो लेडीज भी कह रही ढोल खंड ले जाओ, यहाँ नहीं बता दी, सब बात बता दी, माइक में बता दें।